आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नवरात्र में आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के नौ रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन जहां हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन करने का विधान है, वही दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र है विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पवन पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। विंध्य क्षेत्र में माँ को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के रूप में जाना जाता है। भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य हैं। नौ दिन में माँ से भक्तों के मनोकामना को पूरा करती हैं। इस गृहस्थ जीवन में जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होती है वह सभी प्रदान करती हैं। माँ की सभी पूजा अर्चना कर जप करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए भक्तों को चाहिए कि वह सफ़ेद रंग के वस्तुओं को धारण कर माँ की पूजा करें। सफ़ेद ही वस्तुओं का मन को भोग लगे। माँ के धाम में आने वाले भक्त माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद पाने के लिए माँ गंगा में स्नान करते हैं। नवरात्रि में नौ दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। कष्ट से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने माँ से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा नई उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। माँ के धाम में आने के बाद माँ की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है। नवरात्र का दूसरा दिन है, इसमें किस रूप में माँ की पूजा की, क्या विधि है पूजा की? देखिए दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में कमंडल एक हाथ से वरदान देते हुए जगदम्बा विचरण करती है। ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म और चारणी का अर्थात है तपस्या। तपस्या में जो पूर्ण रूप से रहे वही ब्रह्मचारिणी जगदम्बा है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए सफ़ेद आसन सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद फूल सफ़ेद मिठाई और गोघृत या गोदूध से मिश्रित मिठाई ज़्यादा उत्तम मानी गई। इस दिन आप मिश्रे का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और जगदम्बा का पहले पूजन करें। पूजन में साधक को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए, सफ़ेद माला धारण करना चाहिए और जगदम्बा को वही पहनाना चाहिए। इस दिन माँ का जो पूजन होता है वो वैराग्य और ब्रह्म को पाने का एक उत्तम काल होता है। इसमें यदि आप ब्रह्म को पाने का एवं वैराग्य से संबंधित मंत्रों का जप करेंगे तो आपकी साधना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस दिन पूजन उपरांत खीर गरीबों को खिलाएं, उससे आपके जीवन में परिवर्तन एवं मन की वेदना दुख पीड़ा का निवारण होगा। जी नवरात्र चल रहा है, इसमें माँ विंध्यवासिनी को दर्शन भी करने आते हैं काफी संख्या में, तो कैसे उनको पुण्य मिले, कैसे वो अपने पुण्य भागी बने? जो भी देखिए जो लोग माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु आते हैं, सर्वप्रथम उन्हें गंगा दर्शन करना चाहिए या गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गंगा उस स्थान पर है जहाँ पर गंगा शयन करती है। ये स्थान मणिद्वीप है और ये स्थान बहुत उत्तम माना गया है। ये स्थान मणिद्वीप है, माँ भगवती जगदम्बा का निवास स्थान है। यहाँ गंगा का स्नान करने के बाद माँ का दर्शन करना चाहिए। श्रद्धालु को नारियल के रूप में कुछ न कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहिए और माँ को लाल चुनरी या गुड़हल का एक पुष्प भी यदि चढ़ाया जाए तो उससे दर्शनार्थी की मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी और माँ के सिर्फ सीढ़ी स्पर्श मात्र से 7 पीढ़ी तक के कष्टों का निवारण व पितरों की मुक्ति होती है, ऐसा हमारा मानना है, यहाँ की रीति है। कुसुम केसरी, कहाँ दर्शन करने आई है? हम लोग माँ विंध्यवासिनी मैया के चरण में आए दर्शन के लिए। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, जिस हिसाब से पब्लिक भी है और इतना हर चीज चेंज हो गया, कॉरिडोर अच्छा बन गया है, आने वाले टाइम पे वो और अच्छा हो जाएगा तो भक्त और आएंगे देखने की। जय माता दी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।